हेलो एवरीवन आज हम क्लास टेंथ इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट इसके सभी चैप्टर्स सिर्फ इसमें चैप्टर एट क्योंकि वो एमपी बोर्ड के सिलेबस में से अभी डिलीट किया गया है इस साल इसलिए एक से लेकर दस तक में सिर्फ आठ को छोड़कर बाकी सभी लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे तो यहाँ फर्स्ट फर्स्ट जो लेसन है वो है अ टाइम ऑफ सर्जरी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर पम्फरी एंड हर सर्वेंट बिहेव एंड ट्रिकी वॉज बींग सेंट टू द सर्जरी मिस्टर पम्फरी और उनके सर्वेंट ने किस तरीके से बिहेव किया जब ट्रिकी जो कि उनका डॉग था उसको सर्जरी के लिए यानी हॉस्पिटल जब पहुंचाया जा रहा था तो उनका व्यवहार किस तरह से था आंसर मिसिस पम्फरी फैल्ट वेरी सेड टीयर्स इन हर आइज हर स्टाफ वॉज ऑल्सो एंशियस तो सभी को बहुत बुरा लग रहा था मिसिज पम्परी बहुत दुखी थी उनकी आँखों में आंसू थे और उनका जो स्टाफ था वो भी परेशान था क्वेश्चन नंबर टू वाई वॉज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून डॉक्टर हैरियट को ये क्यों विश्वास था कि ट्रिकी को जल्द ही हॉस्पिटल भेजा जाएगा ट्रिकी वॉज टोटरिंग स्लोली इन द हाउस ट्रिकी बहुत धीरे धीरे चल रहा था घर में ही वॉज नॉट टीचिंग एनी थिंग सो डॉक्टर हैरियट वॉज कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सुन वो कुछ भी नहीं खा रहा था इसलिए डॉक्टर uh, हैरियट को विश्वास था कि ट्रिकी शीघ्र ही अस्पताल आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट सजेशंस वर गिवन टू डॉक्टर हैरियट बट बाय मिसिस टू मिसिस पंफरी एट द इनिशियल स्टेज तो शुरुआत में डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को क्या सलाह दी डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड मिसेस पम्फ्री टू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज डॉक्टर हैरियट ने, ने मिसेस पम्फ्री को सलाह दी कि वो जो ट्रिकी को स्वीट थिंग्स दे रही हैं वो कट करें उसको मीठा कुछ ना दें और साथ ही उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएं। क्वेश्चन नंबर फोर वाई वाज द नरेटर शॉकड एट ट्रिकीज़ अपीरेंस ट्रिकी के अपीरेंस को देखकर नरेटर क्यों शॉक्ड हुआ डॉक्टर हैरियज वॉर शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीरेंस बिकॉज ही हैड बिकम वेरीफेड डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के अपीरेंस को देख कर बहुत शॉक्ड हुए क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था हिज आइज़ वार ब्लड रेड एंड हिज टंग लोल ड्रॉ फ्रॉम हिज जर्ज उसकी जो आँखें थी वो ब्लड रेड हो गई थी बिल्कुल लाल लाल सी हो गई थी और उसकी जो जिबाम थी वो लटकने लगी थी क्वेश्चन नंबर फाइव वाई वॉज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी डॉक्टर हैरियट ट्रिकी की क्यों चिंता कर रहे थे आंसर है डॉक्टर हैरियट वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही हैड बिकम वेरी फैट डॉक्टर हैरियट इसलिए चिंता कर रहे थे क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था हिज आइज़ वर ब्लड रेड एंड हिज टंग्स लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज और जो उसका आँखें थी वो ब्लड रेड हो गई थी और उसकी जबान लटक गई थी तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर लगभग सेम ही है नाउ है चैप्टर टू अ थीफ स्टोरी हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी आई किसको रेफर किया गया है यहाँ आई है थीफ सेकेंड है वॉट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड वो फेयरली सक्सेसफुल हैंड था मतलब बिल्कुल हाथ की सफाई थी उसकी तो वो क्या प्रदर्शित करता है ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल तो उसके हाथ की सफाई किस में थी कि वो लोगों को के चोरी करने और उनको लूटने में माहिर था वॉट डज़ ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क तो ये जो चोर है उसको अनिल से काम के बदले में क्या मिलता था इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क अनिल गिव्स हिम फूड एंड ए प्लेस टू लिव इन काम के बदले में अनिल उसे खाना और साथी रहने के लिए जगह देता था क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज़ द थीफ से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड चोर ने क्या कहा कि जब लोगों की अल, लोगों की चोरी हो जाती है या वो लुट जाते हैं तो उनके अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं तो कैसे होते हैं ही सेज दिट आफ्टर बींग रोब्ड अ ग्रीडी मे शोज हियर तो जब uh, किसी Uh, लालची व्यक्ति के चोरी हो जाती है तो वो डर उसमें दिखाई देता है द रिच शोज एंगर और जो अमीर होते हैं उनमें गुस्सा दिखाई देता है एंड पुअर मैन शोज़ एक्सेप्टेंस और जो बेचारा गरीब व्यक्ति होता है वो लाचार दिखाई देता है क्वेश्चन नंबर सिक्स डज़ अनिल रियलाइज़ दैट ही हैज़ बीन रोब्ड क्या अनिल को ये पता चल गया कि वो uh, उसकी चोरी हो चुकी है यस अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड एज द नोट ऑफ फिफ्टी रुपीज़ वॉज अ स्टील डैम ड्यू टू द रेम हाँ अनिल को ये पता चल गया था कि उसकी चोरी हो चुकी है क्योंकि वो जो पचास रुपए का नोट था वो अब भी गीला था क्योंकि वो चोरी करने के बाद में जब वो लेकर गया था बाहर तो बारिश की वजह से वो नोट गीले हो गए थे तो वो नोट अब भी गीले थे इससे उसको पता चल गया कि चोरी हो चुकी थी चैप्टर थ्री द मिड नाइट वजिटर अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिट हॉलर वॉन्टेड टू मीट ऑजेबल हॉलर ऑजेबल से क्यों मिलना चाहता था हॉलर वॉन्टेड टू मीट ऑजेबल बिकॉज ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट हाउ ही हैंडल्ड हिज टास्क बींग अ सीक्रेट एजेंट तो फॉलर ऑजेबल से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो ये पता करना चाहता था कि वो किस तरह से एक सीक्रेट एजेंट का काम कर पाता है डिस्क्राइब फॉलर्स रिएक्शन आफ्टर एंट्रिंग औजेबल्स होटल रूम तो जब ओजेबल के होटल के रूम में फॉलोर जाता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है फॉलोअर्स इज स्कै टू फाइंड अ मेन ऑलरेडी स्टैंडिंग इन द रूम तो फॉलर बहुत डर जाता है uh, ये देख कर कि उसके कमरे में पहले से ही कोई व्यक्ति मौजूद है क्वेश्चन नंबर थ्री ओजेबल शो ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड इज सिचुएशन ऑफ डेंजर इन सरप्राइज डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट इफ़ यस वाई ऑजेबल ने एक जो परेशानी वाली स्थिति थी ऐसी स्थिति में अपना प्रजेंस ऑफ माइंड प्रस्तुत किया क्या आप इस बात से सहमत है यदि हाँ तो बताएं क्यों यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट हाँ मैं इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ एज ऑजेबल रिमाइंड काम एंड कूल इन्वेंटिंग स्टोरीज टू फुल मैक्स इन टू जम्पिंग टू हिस्सैथ हाँ ऑजेबल बिल्कुल शांत रहता है और कूल बना रहता है बिल्कुल उस वो किसी तरीके की घबराहट बेचैनी प्रदर्शित नहीं करता है विपरीत परिस्थितियों में भी और साथ ही ऐसे समय पर वो मैक्स को मूर्ख बनाने के लिए कहानी भी गढ़ लेता है ताकि वो जो है जंप करे और उसकी डेथ हो जाए क्वेश्चन नंबर फोर डिड मैक्स फेक्स टर्न ब्लैक विद एगर वाई डिड ही वॉन्ट ऑजेबल टू डू अब जो मैक्स है वो गुस्से से एकदम काला क्यों हो गया और वो ऑजेबल से क्या चाहता था मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर बिकॉज ही थाट द पुलिस विल एंटर द रूम सून एंड कैच इम रेड हैंडेड मैक्स का चेहरा गुस्से से इसलिए काला पड़ गया क्योंकि उसने सोचा कि पुलिस सब जल्दी ही आ जाएगी और उसे रंगे हाथों तो पकड़ लेगी वाई डिड ऑजेबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बाल्कनी ऑजेबल ने बालकनी की स्टोरी क्यों बनाई ऑजेबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी टू गेट आउट ऑफ अ डेंजरस एंड क्रिटिकल सिचुएशन ऑजेबल ने बालकनी की स्टोरी इसलिए बनाई ताकि वो इस खतरनाक स्थिति से बाहर आ सके क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ डज़ ऑजेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच टू हिज रीम ऑजेबल ने किस तरीके से मैक्स को ये विश्वास दिला दिया कि आ, उनके कमरे से जुड़ी एक बालकनी है ऑजेबल मैड अफेक्ट स्टोरी ऑफ बालकनी ऑजेबल ने एक झूठी कहानी गढ़ी बालकनी की ही टोल्ड मैक्स दैट देयर इज़ अ बालकनी फ्रॉम वेयर पीपल एंटर हिज रूम उसने कहानी गढ़ी कि उसके रूम के पास में एक बालकनी है जहाँ से लोग उसके कमरे के अंदर आ जाते हैं हु एक्चुअली हैड नॉट डेट द डोर ऑफ द आसेबल्स रूम वाइट डिड ही कम देर एक्चुअल में कौन आया था ऑजेबल के रूम में और उस वो वहाँ क्यों आया था हैंनरी द वैटर है डोर ऑफ ऑजेबल्स रूम जो वेटर था होटल का जिसका नाम हैंनरी था उसने ऑजेबल के रूम को नॉक किया था ही हैड ब्रॉड द ड्रिंक्स विच ऑजेबल हैड ऑर्डर्ड व्हेन ही अराइव्ड इन द होटल वो वो ड्रिंक लेकर आया था जो कि ऑजेबल ने ऑर्डर uh, किए थे जब वो होटल के रूम में आए थे उसके पहले ही उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे इसलिए वो जो वेटर है वो ड्रिंक लेकर आया था नाउ चैप्टर फोर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाई डिड हॉरेस डैनबी हियर फ्राम द डोरवे हॉरे डैन ब्या सुना हॉरे डैनबी हर्ड द वॉइस ऑफ द लेडी फ्राम द डोरवे हॉरे डैनबी ने uh, एक महिला की आवाज़ सुनी हाउ डिड द लेडी इन रेट कन्विंस हॉरे डैनवी टू ओपन द लॉक उस लेडी ने किस तरीके से हॉरे डैनबी को राजी करवाया कि वो उस लॉक को खोल दे द लेडी टोल्ड हॉरेस डैनवी दैट शी वॉज द लेडी ऑफ द हाउस एंड हैड फॉरगटन द लॉक नंबर ऑफ द सेफ उस लेडी ने हॉरस डैनबी से कहा कि वो इस घर की मालकिन है और वो जो अलमारी है उसका लॉक नंबर भूल गई है क्वेश्चन नंबर थ्री वॉज हॉरस डैनबी ए टिपिकल थीफ क्या हॉरे डैन एक टिपिकल थीफ था तो आंसर है ही वॉजन टिपिकल थीफ़ बिकॉज इस टोल ओनली वंस इन अ ईयर टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स ओनली क्योंकि वो लगातार चोरियाँ नहीं करता था वो सिर्फ साल में एक बार चोरी करता था और वो भी किस लिए ताकि वो अपनी पसंद की जो महंगी किताबें हैं वो खरीद सके क्वेश्चन नंबर फोर वाई अर्ट एडवाइस डिड द लेडी गिव हॉरस डैन बी अबाउट हिज है फीवर हेरिस डेन बी को उसका जो है फीवर था उसके बारे में लेडी uh, ने क्या सलाह दी द लेडी टोल्ड हॉरिज दैट he could cure the disease if he found out which plant had given him the disease तो so, वो महिला उसे बताती है और इसको कि उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है यदि वो ये जान सके कि किस वजह से या किस प्लांट की वजह से उसको ये बीमारी हुई है क्वेश्चन नंबर फाइव वाई डिड होरेस डैन बी फील श्योर ऑफ इज सक्सेस इन दैट ईयर्स रॉबरी होरेस डैन बाई को ये क्यों विश्वास था उसकी उस साल की रॉबरी के लिए Horace Denby felt sure of his success because he had planned his work carefully. He studied every detail of the house. Horace Denby को इसलिए विश्वास था क्योंकि उसने पूरा planning कर रखा था अच्छे से और उसने घर की भी पूरी detail पता कर रखी थी Question number सिक्स Did Horace get the jewels from the uh, safe? Then why did the police arrest him? क्या होरेस ने उस ग्रैंक uh, safe से jewels निकाले और अगर नहीं निकाले तो पुलिस ने उसको क्यों अरेस्ट किया नो हॉरिस्ट डिडेंट गेट द ज्वेल्स फ्राम द ग्रैंक सेफ नहीं हॉरे ने ज्वेल्स नहीं निकाले द पुलिस अरेस्टेड हिम बिकॉज हिज वर फाउंड ऑन द सेफ पुलिस ने उसको इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उसके फिंगर प्रिंट्स प्रिंट्स उस सेफ पर पाए गए वाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉरेस डेन बी टू गेट द ज्वेल्स अब उस महिला ने हॉरस डेन बी को क्या कहानी सुनाई ज्वेल्स लेने के लिए द लेडी टोल्ड हर दैट हर ज्वेल्स वर लाइंग इन द सेफ एंड शी हैज़ फार गटन द नंबर टू ओपन द सेफ़ उस महिला ने कहा पहले तो उसने कहा कि मैं इस घर की मालकिन हूँ फिर उसने क्या कहा कि उसके जो ज्वेल्स हैं वो सेफ़ में हैं और वो उसका नंबर भूल गई है क्वेश्चन नंबर एट वाई वॉज इट नॉट डिफ़िकल्ट फॉर हॉरेस टू ओपन द सेफ हॉर्स के लिए वो सेफ ओपन करना क्यों मुश्किल नहीं था It was not difficult for Horace Denby to open the safe because he had lived with locks and safe all his life. तो so, Horace Denby के लिए ये मुश्किल इसलिए नहीं था क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी इन लॉक्स और सेफ के बीच में ही रहा था। Question number nine, what does the author tell us about Horace Denby's life? Horace Denby की लाइफ में ऑथर हमको क्या बताते हैं? Horace Denby was fifty years old. He had mad locks. He was good and respectable, but not honest. हॉरेस डैन भी पचास साल के थे वो लॉक बनाते थे वो आ, अच्छे थे और इज्जतदार थे लेकिन ईमानदार बिल्कुल भी नहीं थे क्वेश्चन नंबर टेन हाउ ऑफन डिड हॉरिज डैन बी कमिटेड रॉबरी एवरी ईयर वॉट डिड ही डू विद द स्टोलन मनी अब हॉरेस डोन भी एक साल में कितनी बार रॉबरी करते थे और वो इस चुराए हुए पैसे का क्या करते थे आंसर है हॉरिज कमिटेड ओनली वन रॉबरी एवरी ईयर हॉरेस डोनबी साल में से केवल एक बार ही रॉबरी करते थे ही यूज टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स विद स्टोलन मनी वो चुराए हुए पैसे से सिर्फ महंगी और जो बिल्कुल अन अनूठी किताबें होती हैं यूनिक किताबें होती हैं उनको ही खरीदते थे क्वेश्चन नंबर एलेवन वॉट डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट हॉरे डैनबी को क्या इकट्ठे करने का शौक़ था होरेस्ड एन बी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स होरेस्ट एन बी को महंगी और uh, महंगी किताबें खरीदने का शौक़ था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वाई डज़ ही स्टील एवरी ईयर वो हर साल चोरी क्यों करते थे ही स्टोल एवरी ईयर सो दैट ही कुड बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक वो हर साल इसलिए चोरी करते थे ताकि वो uh, जो महंगी किताबें उनको ख़रीद सकें हु इज़ स्पीकिंग टू हो रेस्ट एन बी हॉरेस्ट एन बी से कौन बात कर रहा है अ लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे जो दरवाजे पर खड़ी है महिला वो हॉरे डेंडी से बात कर रही है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इस स्टोरी में मुख्य गुनाहगार कौन है द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमन हु प्रिटेंडेड टू बी द लेडी ऑफ द हाउस इस uh, स्टोरी में वही महिला गुनाहगार है जो उस घर की uh, मालकिन होने का दावा करती है वाई डजेंट हॉर सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग हॉरिस को क्यों शक नहीं हुआ कि कुछ गलत है हॉरिस डजेंट सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग बिकॉज ही इज अफ्रेट एट द थॉट ऑफ प्रिजन तो हॉरिस को डर लग रहा था uh, कि वो जेल ना चला जाए इसलिए उसने क एक बार भी नहीं सोचा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है चैप्टर फाइव फुट प्रिंट्स विदाउट फिट इसका पहला क्वेश्चन है वाई वर द टू बॉयज सरप्राइज एंड फैसिनेटेड दोनों लड़के क्यों आश्चर्यचकित थे तो द टू बॉयज़ इन लंडन वॉज सरप्राइज एंड फैसिनेटेड वेन दे सा फ्रैश मड़ी फुटप्रिंट्स ऑफ अ ह्यूमन बींग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस बट नो मैन वॉज दियर तो बच्चे इसलिए आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्होंने कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान देखे लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया हाउ वुड यू असिन ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट एक ग्रिफिन को साइंटिस्ट के रूप में आप कैसे पाते हैं ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस हेज़ ही डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फार्मूला टू मेक अ ह्यूमन बॉडी इन वाकई में वो बहुत ही एक होशियार वैज्ञानिक थे क्योंकि उन्होंने आ, एक वैज्ञानिक फार्मूला निकाला था जिससे कि मनुष्य की बॉडी अदृश्य हो जाती है क्वेश्चन नंबर थ्री वाई वॉज द ग्रिफिन वेंडरिंग द स्ट्रीट ग्रिफिन सड़क पर क्यों घूम रहे थे ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ग्रिफिन ने घर को आग लगा दी थी दस ई बिकेम होमलेस एंड वॉज विंग द स्टेट ऑफ लंदन इसलिए वो बेघर हो गए थे और वो लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे वॉट क्यूरियस एपिसोड अकर इन द स्टडी स्टडी में क्या एक विशेष घटना हुई आंसर है द कलर्जी एंड हिज वाइफ वर वो कब बाय द नॉइज इन द स्टडी जो क्लर्जी मैन है और उनकी पत्नी स्टडी uh, में आवाज के कारण उठ गए दे कुड हियर द चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्राम द डेस्क और उनको आवाज़ें भी आ रही थी कि कोई डेस्क में से पैसे निकाल रहा है बट दे डिडेंट फाइंड एनी वन इन द रूम लेकिन उनको रूम में कोई भी दिखाई नहीं दिया चैप्टर सिक्स द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पहला क्वेश्चन है हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट की मदर ने उनके साइंटिस्ट बनने में कैसे मदद की हिज मदर टू किम ऑन ट्रिप एंड ब्रॉड टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैमराज माउंटिंग मटीरियल्स एंड बुक तो जो उनकी मदर थी वो उनको ट्रिप पर ले जाती थी और उनके लिए टेल जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे टेलीस्कोप माइसक्रो माइक्रोस्कोप कैमरा और माउंटिंग के लिए जो मटेरियल लगते हैं वो भी ला के उन्होंने दी और किताबें ला के दीं क्वेश्चन नंबर टू व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडर अब उसने क्या एक्सपेरिमेंट किए आंसर ही वर्क्स वर्क्स टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली कॉजिज द वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर्स उसने इस बात पर वर्क किया कि ये जो वायरल डिजीज है उसका क्या कारण है और जो सारे मोनार्च कैटरपिलर्स को लगभग मार देती है और दूसरा जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो था ही टेस्ट द थ्योरी दैट वाइजी बटरफ्लाई कॉपी मोनार्च टू सरफाई सरवाइव अब हमारा चैप्टर सेवन द नेकलेस वाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ मैम लॉइजल इन वाई इज शी ऑलवेज अनहेप्पी मैम लॉइजल किस तरह की महिला थी और वो क्यों हमेशा दुखी रहती थी मैम लॉयजल इज़ अ यंग प्रीटी ऑर्डनरी बट डिस्केंटेड वूमन जो मैम मैडम थी लाइजल वो खूबसूरत थी जवान थी और सामान्य थी लेकिन असंतुष्ट महिलाएँ थीं वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ हर हस्बैंड उनके हस्बैंड कैसे थे हर हस्बैंड मै मिस्टर लॉयजल इज़ एन ऑर्डनरी मैन ही वॉज़ अ केयरिंग हसबैंड उनके जो मिस्टर थे हस्बैंड थे वो सामान्य व्यक्ति थे लेकिन वो बहुत ही एक केयरिंग हस्बैंड थे बहुत केयर करते थे वॉट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैम लॉयजल मैम लॉयजल को कौन सी परेशानी ने परेशान किया आफ्टर बाइंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस शी वॉज बदर दैट शी हैड नो ज्वेल्स टू अटॉन हर सेल्फ तो जब उन्होंने अच्छी ड्रेस खरीद ली तो उनके पास परेशानी ये थी कि उनके पास पहनने के लिए अच्छी ज्वेलरीज नहीं थी हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ मिस्टर लॉयजल सॉल्ड इज प्रॉब्लम बाई एडवाइसिंग हर टू बोरो मिस्टर लॉयजल ने उसको एडवाइस किया कि वो अपनी फ्रेंड से कुछ ज्वेलरी उधार ले ले इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ What do Mr and Ma'am Ma Loisel do next? To mister or Ma'am Mam Madame Loiselone Mr and Ma uh, Loisel uh, look in the fold of dress uh, clocks and in the pockets when they find a the necklace missing. Loisel goes to the police and to the Cape officer. तो पहले तो उन्होंने नेकलेस को अपनी ड्रेस क्लॉक और पॉकेट में ढूंढने की कोशिश की लेकिन जब उनको पता लगा कि वाकई में नेकलेस खो गया है तब जो लॉयजल हैं वो पुलिस के पास भी जाते हैं और केव ऑफिसर के पास में भी शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ डे दे रिप्लेस द नेकलेस उन्होंने नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया तो आंसर है उन्होंने जो नेकलेस है उसके बदले में एक डायमंड का नेकलेस खरीदा जो थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रांसिस का था और उससे उन्होंने उस नेकलेस को रिप्लेस किया अब है चैप्टर नाइन भोली वाई इज़ भोली फादर वरीड अबाउट भोली के पिताजी किस चीज़ की चिंता करते थे तो भोली फादर वॉज वरीड वो ये चिंता करते थे कि जो भोली थी वो ना तो अच्छी दिखती थी और ना ही इंटेलिजेंट थी फॉर वॉट अनयूजल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल भोली को क्यों स्कूल भेजा गया तो स्कूल तो भेजा जाता है लेकिन अ बिल्कुल असामान्य कारण यानी कि पढ़ने के लिए तो सभी भेजते हैं लेकिन यहाँ भोली को स्कूल भेजने का क्या कारण था तो भोली को सिर्फ इसलिए स्कूल भेजा गया था कि तहसीलदार को खुश किया जा सके क्योंकि तहसीलदार चाहते थे कि गांव की लड़कियाँ पढ़ने के लिए स्कूल जाएँ डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट एट स्कूल क्या भोली ने अपना पहला दिन इन्जॉय किया स्कूल में तो यस भोली ने इंजॉय किया और वो बहुत सारी लड़कियों को जो उसकी उम्र की ही वहाँ थी उनको देख कर वो बहुत खुश हुई क्वेश्चन नंबर फोर डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम क्या भोली को उसके टीचर घर के अन्य लोगों से अलग लगे तो यस क्योंकि उसको लगा कि उसकी जो टीचर है वो बहुत ही दयालु है और बहुत ही प्यार करने वाली है वाई डू भोली पेरेंट एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल भोली के पेरेंट्स ने दिसंबर का प्रपोजल क्यों स्वीकार किया Uh, वो उन्होंने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि न तो उसने uh, उसने कोई डॉरी या कोई दहेज नहीं मांगा था और अब हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर टेन द बुक दैट सेव द अर्थ इसका पहला क्वेश्चन है हु ट्राइड टू इन्वेट द अर्थ इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी किसने इक्कीसवीं शताब्दी में इन्वेट करने की कोशिश की तो वो थे मार्शियंस और उन्होंने uh, अटैक करने की कोशिश की अब है सेकेंड क्वेश्चन एलियंस जो यहाँ पर हैं वो इंग्लिश बोलती हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या इंग्लिश उनकी लैंग्वेज थी और अगर ये नहीं थी तो उनकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए थी तो इंग्लिश उनकी लैंग्वेज नहीं थी और वो उनकी कोई मार्शियन भाषा बोलते होंगे और थर्ड लास्ट क्वेश्चन है कि आ, किस तरीके से टैंक ने जो है मिस इंटरेप्ट किया नर्सरी राइम्स को मार, मार्शियंस को डराने के लिए तो जब उन्होंने इन्वेट किया आक्रमण किया तो उनको आ, जो है जो नर्सरी की राइम्स है उनके शब्दों के या उनके वाक्यों के अर्थ को बदल कर जो है उन्होंने किस तरह से किया तो उन्होंने कहा कि अर्थलिंग्स वांटेड टू कैप्चर मास सेंट्रल कंट्रोल एंड हिम तो उन्होंने उस लाइन को का जो अर्थ बताया और उन्होंने ये बताया कि जो अर्थलिंक्स हैं वो मार्स सेंट्रल कंट्रोल को और साथ ही उनको कैप्चर करना चाहते हैं उनको पकड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से उनको डराकर उन्होंने उन्होंने उनको इस तरीके से नर्सरी राइम्स की गलत मीनिंग बता के उनको डराया तो यहाँ हमारे सभी चैप्टर्स सिर्फ हैक ड्राइवर वाला जो चैप्टर है क्योंकि वो डिलीट किया गया है उसको छोड़कर बाकी सभी के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं ओके थैंक यू स्टूडेंट्स